अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, टुडे माय लेसन इज फॉर क्लास नाइन्थ इंग्लिश सब्जेक्ट टॉपिक हाउ क्लाइंट वाज सेव। आई विल रीड लास्ट पैसेज and let us start, get started, read. The custom officer said, custom officer ने कहा, I like the old Parsi, मैं old Parsi को पसंद करता हूँ। I'm sorry, मुझे बहुत अफसोस है, he has made a fool of himself, कि उसने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया। You know, तुम जानते हो, where my duty lies, जहाँ मेरी ड्यूटी ला, I must be guided by attorney general, जो कुछ मुझे अटॉर्नी जनरल बताएगा उसी के मुताबिक मुझे काम करना है जनरल। एंड सो आई वुड एडवाइज़ यू मैं टू यूज़ ऑल योर पोजीशंस विद हिम, इसके साथ जो कुछ भी होगा जो वो नसीहत करेगा उस पर अमल करना है मुझे। आई शैल बी थैंकफुल, मैं बहुत ही शुक्र गुजारूँगा। सैड उसने कहा, इफ़ यू डू नॉट इंसिस्ट, अगर तुम इस पर जिद नहीं करेंगे ऑन ड्रैगिंग हिम इन टू द कोर्ट, के कोर्ट में इसको घसीटाना जाए। हैविंग गॉट हिम टू द प्रॉमिस दिस, इसे ये पूरा वादा लेने के बाद आई एंटर्ड इन टू द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के पास मैं गया एंड आई मेट हिम, उससे मैं मिला। कौन कहता है? गांधी जी कहते हैं। आई एम ग्लैड टू से, मुझे ये खुशी है कहने में, दैट ही अप्रिशिएटेड माई कम्प्लीट फ्रेंकनेस, उसने मेरी जो भी मुकम्मल फ्रेंक रासतबाजी थी उसकी उसने तारीफ की। एंड वॉज कन्विंस्ड दैट आई गैट कैप बैक नथिंग, और मैं उसको मनाने में कामयाब हो गया। नो आई नो गॉट वेदर इट वॉज इन कनेक्शन विद दिस आर विद द अदर विद सम अदर केस, दैट माई परसिस्टेंस एंड फ्रेंकनेस एक्सटोर्टेड हिम फ्राम हिम द रिमार्क्स, आई सी यू विल नेवर टेक आर नो फॉर एन आंसर, के आई फॉर गट, मैं ये भूल गया, वेदर इट वॉज कनेक्शन विद दिस, के ये इसके साथ इसका तालमेल था, आर सम अदर केस या कोई दूसरे केस के साथ। My persistence, जो मेरी साबित कदमी थी और खरापन था, exerted me, वो मुझे ज़बरदस्ती ले गया। From him the remarks, I see you, मैं तुम्हें देखता हूँ। I see you will never take a no for an answer, कि तुम इसके का जो जवाब है इस को कभी नहीं लोगे। द केस अगेंस्ट द पारसी रुस्तम वाज सेटल्ड बाय द कंप्रोमाइज, ये कंप्रोमाइज में सेटल हो गया, एक समझौता हुआ। ही वाज टू पे ए पेनल्टी इक्वल टू ए ट्वाइस द अमाउंट ही हैड कन्फेस्ड टू हैविंग स्मगल्ड, उसने जो कुछ ही स्मगलिंग की थी उसकी जितनी भी रकम बनती है उसकी दुगनी पारसी रुस्तम जी को अदा करनी है। रुस्तम जी रिड्यूस द राइटिंग फॉर द फैक्ट्स द होल केस ऑन द गार्ड पेपर फ्रेम, हग इट अप इन द ऑफिस, सर्व एज ए परपेचुअल रिमाइंडर ऑफ हिज हेयर एंड फ्लावर मर्चेंट्स। रुस्तम जी ने क्या किया कि एक पेपर मंगवाया, उस पर तमाम सच्चाई लिख दी उस पेपर के ऊपर, और हाग की उसको लटकाया ऑफिस में, एक नसीहत के तौर पर दायमी नसीहत उसने लिखी हुई थी, सच्चाई क्या होती है, और ताकि इस सच्चाई को तमाम उसके जो फॉलोवर्स थे या सुनने वाले फॉलोवर्स थे मार्चेंट आने वाले, ताकि उनके लिए ये नसीहत रहे। दीज फ्रेंड्स रुस्तम जी वार्न मी नॉट टू बी टेकन माई द ट्रांजिटरी कंडीशन, ये जो मेरी कंट्री
कंट्रीशन, जो मेरी आरजी जो तोबा थी, जो उसके फ्रेंड रुस्तम जी थे उन्होंने वार्ड किया, उसको इतला दी, वार्ड एक धमकी दी। व्हेन आई टोल्ड रुस्तम जी, जब मैंने ये सारा कुछ रुस्तम जी को बताया अबाउट इज राइटिंग, इस राइटिंग के बारे में, ही सेड, उसने कहा, व्हाट वुड बी माय फेट, मेरी किस्मत के साथ क्या हो जाएगा, आई इफ आई डिसीव्ड यू, अगर मैं तुम्हें इसका धोखा दूँ तो। इसी के साथ ये जो लेसन है पूरा ख़त्म होता है। तो इसके आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे कल इंशाल्लाह। ख़त्म करता हूँ।